और भाई साहब ये बिल्कुल सामने ही है, ये देखें। ये कौन सा स्नेक है? डाल गेट से लाए। ये कौन सा देखे गाइस? जंगली बेरीज। ये देखे गाइस यहाँ पे क्या है। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है पिछली बार हम गए थे दाचीगाम, लेकिन वहाँ पे परमिशन लानी थी, ऑनलाइन फॉर्म में सब भरना था। तो आज मैंने फॉर्म सब कुछ कंप्लीट कर लिया, टिकट मैंने निकाल लिया ऑनलाइन। आ जाएंगे दाचीगाम, 25 रुपीज़ पर पर्सन है वहाँ की टिकट, ठीक है? तो मैंने टिकट निकाल लिया, आप जाएंगे डायरेक्ट दाचीगाम के लिए। लेकिन आज ना गड़बड़ है, ये देखिए मौसम खराब है, बादल छाए हुए हैं हर तरफ से। चले कोई नहीं, निकलते फिर देखते आगे जाके कि क्या सीन रहेगा, ठीक है? तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब जैसा सा बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस बिना देरी क्या करते हैं, आज को लॉक शुरू। देखिए गाइस यहाँ पे वुडन क्लॉक्स मिल रहे हैं। तो गाइस मैं ना अभी निशात के बैक साइड से आ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से पहाड़ टाइप है, ये देखिए लैला मजनू का पहाड़ भी यहीं से। मेन रोड से स्मार्टी का वर्क चल रहा है और वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए मैं यहाँ से आया। ये देखिए गाइस ये रहा लैला मजनू का पहाड़, ये देखिए। तो गाइस ये देखिए ये रहा निशात गार्डन का बैक साइड, और यहाँ पे ना ये दरगाह है, ये देखिए बैक साइड निशात गार्डन का। देखिए गाइस राइट साइड से पूरा पहाड़ और जंगल, उसी के साथ में ये रास्ता जाता है, उधर से मैं जा रहा हूँ। ये ना निशात शालमोर गार्डन के ऊपर के साइड है, आगे जाके हरन रोड पर पहुँचूँगा। यहाँ से बिल्कुल चढ़ाई जा रही है, खड़ी चढ़ाई, यहाँ से खुद ही बाइक उतरेगी। ये देखिए बिना स्टार्ट करे बाइक उतर रही है। तो गाइस फाइनली पहुँचा मैं दाचीगाम के पास, यहाँ पे रखी मैंने अपनी बाइक, यहाँ से जाना है, ठीक है? अरे जी गाइस फाइनली पहुँचा मैं दाचीगाम, ये देखिए यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिए। और यहाँ से देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अरे जी गाइस आप पहले यहाँ से जाना है हमको, ये देखिए गाइस यहाँ से ब्रिज जा रहा है और यहाँ से आ रहा है पानी दाचीगाम का, यहाँ से भी देखिए ये ब्रिज ना पूरा हिल रहा है। परसों मैंने ये वाला गेट दिखाया था जो कि क्लोज है, ठीक है? वहाँ से मैं आया था, अब जाना है यहाँ से। क्या गाइस यहाँ पे क्या है? ये देखिए कोई बर्ड है, इसकी टेल देखिए कितनी बड़ी है। ओ भाई साहब ये कौन सा है, पता नहीं इसका क्या नाम है। ये देखिए गाइस जंगली बेरीज, ये खा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अभी ये पका हुआ नहीं है। ये देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ से वहाँ से भी पानी जा रहा है, वहाँ से आ रहा है और यहाँ से भी जा रहा है पानी। ये देखिए पूरा जंगल से यहाँ से मेरे को रास्ता ही नहीं है, यहाँ पे वो एरो भी नहीं लगा हुआ है कहाँ से जाना है। अभी अकेले हूँ ना, पता नहीं लोग आ भी नहीं रहे हैं मेरे साथ। ये देखिए यहाँ से क्या सीन है ब्रो, बहुत तेज़ पानी जा रहा है यहाँ से, पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा होगा लेकिन बहुत ही तेज़ जा रहा है। और ऊपर से देखिए चारों तरफ से जंगल पहाड़। वाइल्ड एनिमल्स रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, और भाई साहब मेरे को लगा ये कोई जानवर खड़ा है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं ये जू है, लेकिन ये आम वाला जू नहीं है, यहाँ पे पूरा जंगल है, यहाँ पे ना ओपन भी जानवर हो सकते हैं, सकते हो हर तरफ से जंगल पहाड़। ये देखिए गाइस यहाँ पे है कुछ, देखते हैं जाके। ये देखिए गाइस लेपर्ड, जब भी मैं किसी जू में जाता हूँ ना वहाँ पे शेर ये सब सोए होते हैं, हर कोई जानवर। ये देखिए ये भी सोया है। अबे उठ जा प्लीज, मेरे को कंटेंट भर जाएगा, वीडियो उठाना है तुझे, हाईलाइट हो जाएगा। जो लगता है आज रात में सोया ही नहीं है। ओ भाई ये क्या आवाज कर रहा है? हाँ ये देखिए गाइस ये शायद सपना देख रहा है अभी, मुझे नहीं लगता ये उठेगा। हम जाते हैं आगे, ठीक है? ये देखिए गाइस ये दूसरा वाला, यहाँ पे भी लेपर्ड सोया ही है। बोला ना जिस भी जूए में जाता हूँ ना वहाँ सब जानवर सोए होते हैं, डरते हैं ना मुझसे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला ये चारों तरफ से जंगल ही है, ये देखिए यहाँ से पूरा जंगल है दाचीगाम का, ये बहुत ही बड़ा जंगल है। गाइस ये देखे भैया, ओ भाई साहब ये बिल्कुल सामने ही है, ये देखे भाई। इधर आ जा, इधर आ जा, बात करनी है आपसे, इधर आ जा। गाइस ये देखे उठ गया, ये देखिए ये बहुत ही बड़ा होता, आपने सुना ही होगा या देखा भी मत होगा किसी ने, मतलब 4 times उसे ज़्यादा वजन में होगा। ये देखिए गया जंगल में, ये देखिए गाइस ये चेक करे भाई, मुंह खोला इसने ऐसे ही खोल, एक बार एक और बार मुंह खोल,
गाइस ये तो निकला, अब वहां से देखते और क्या है। ठीक है तो गाइस ये जो केज है ना, जब इनको लाते हैं ना जानवरों को तो इसी में लाते हैं। ये देखें ये है ब्लैक बियर, वेलकम टू अवर वर्ल्ड। पे चार स्पीशीज बियर्स की, ये देखिए एक है एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, स्लोथ बियर, सन बियर। ये देखिए गाइस वहाँ ऊपर एक बियर है, ये देखिए आराम फरमा रहा है वहाँ पे। गाइस ये देखिए स्नेक, ये कौन सा स्नेक है? डालगेट से लाए, ये कौन सा? रिलीज वापस करते हो जंगल में? ओ भाई सब अभी पकड़ा इसको डाल लेक में। ये देखिए गाइस बिल्कुल सामने भी है, हमसे ही डरता है, डरना हमको चाहिए। हाँ ब्लैक बियर, हाँ ब्राउन बियर वहां से था। उठ गया डर गया। शर्मा रहा है। ये देखिए ये दूसरा यहाँ पे आराम फरमा रहा है। ये देखिए लेकिन थोड़ा सा दूर है, ये ना दूसरे टाइप का बाल हुआ। ये देखिए इसके कान कैसे हैं, वीडियो में नहीं दिख रहा है ना, उतना जूम कैपेसिटी है ही नहीं मेरे फ़ोन में कि मैं आपको दिखा सकूं। काश मेरे फ़ोन में इतनी जूम कैपेसिटी होती मैं आपको दिखाता। ये देखें ये तो मस्त है ब्रो, क्या नाम है इनका? रोजी फैंसी। ये देखें इनका नाम है जूली फैंसी रोजी, ये इनका नाम है। ठीक है ये वहाँ पे दूसरा वाला, ये देखिए तो भाई क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। दूसरा वाला बियर है ये वाला, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला बियर है, ये वाला स्लोथ बियर या एशियाटिक बियर, दोनों में से एक है। थोड़ा सा दूर है ना, ये एशियाटिक ब्लैक बियर है। ये देखिए आया पास में, ये देखिए कैसा आई है, एशियाटिक हुआ ये वाला। ये देखिए गाइस मधुमक्खी ये है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ SOS। ठीक है अभी यहाँ पे रेस्क्यू किया गया सांप को, जैसे मैंने आपको दिखाया डल लेक के पास पकड़ गया उसको, अब उसको जंगल में वो करेंगे फ्री। ठीक है देखिए यहाँ से एशियाटिक ब्राउन बियर के बारे में, अगर इसको पकड़ना होगा वो पकड़ लेना। ठीक है और जो यहाँ पे भी घास खा रहा था ना बियर, ये देखिए उसके बारे में अगर इसको पढ़ना होगा, साहिब है उसका नाम। ठीक है उसके वहाँ जंगल में है, वहाँ पे वो देखिए गाइस वो जो मैंने ग्रिजली बोला था ना वो हिमालयन ब्राउन बियर है। ये देखिए उसके बारे में अगर इसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकते हो, उसका नाम है सेबेस्टियन। अब भाई अंग्रेजी नाम ये देखिए कैसे पूरा जंगल है ना यहाँ से, इसलिए यहाँ पे वो लगाया गया है सिक्योरिटी के लिए, जो जाली लगाई गई ना इसमें पावर है। ठीक है हाई वोल्टेज है इसमें, ताकि यहाँ पे कोई जानवर ना आ सके, ना ही यहाँ से कोई वहाँ जा सके, क्योंकि पूरा जंगल है। वहाँ से आम होते हैं, सांप, लेपर्ड्स, बियर, ये सब होते रहते हैं वहाँ से। यहाँ के लोग है ना उन्होंने सामने भी देखा बियर को, न्यूज़ में भी देखा होगा आपने, यहाँ से आम होते हैं। ठीक है फिलहाल मैं उस हिमालयन ब्राउन बियर को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से होगा। यहाँ से पानी जाता है इस साइड से, ठीक है पता नहीं कहाँ है। ब्रो वी आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। मेरे को ना गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है मेरे को जंगल पहाड़ ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये जानवर इनसे मुझे बहुत ही प्यार है, आपको बता नहीं सकता। ये देखिए अलग ही सुकून है यहाँ पे, जंगल है हर तरफ से, लेकिन मेरे को इनके लिए बुरा लग रहा है कि ये बंद है।
चलिए कोई नहीं, फिर भी इनके लिए ना बहुत ही बड़ा ये केज बनाया गया है, ये बहुत ही बड़ा केज है, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक पूरा इनके वहाँ पे बनाया गया है बैठने के लिए ये सब। ऐसा नहीं है कि छोटा सा केज बना हुआ इनके लिए, इनके लिए बहुत ही बड़ा केज है। गाइस जिस भी जू में मैं जाता हूँ ना, मैं दिल्ली में भी गया था चिड़ियाघर, वहाँ पे भी मैं गया ना, सब जानवर सोए हुए थे, पता नहीं शायद मुझे डरते हैं इसलिए सोए हुए थे। यहाँ पे भी सब जानवर लगभग सोए हुए, यहाँ पे देखिए लेपर्ड वो भी सोया हुआ ही है। पहले शुक्र है बियर को अच्छे से देखा। ये देखिए गाइस यहाँ पे लेपर्ड दिन भर घूमते रहते, ठीक है, और ये है उनके सोने की जगह, मेन जगह यही है इनकी, ये देखिए। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ वापस, क्योंकि ये सब वापस गए, जो भी यहाँ पे थे ना लोग वो सब वापस गया, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। फिलहाल तो मैं जाता हूँ वापस, देखते हैं आगे आगे और मत कुछ होगा, मुझे लगता है इतना ही है यहाँ पे। आप यहाँ से देखें नज़ारा, कि मैंने आपको बोला ना बचपन में आया हूँ मैं यहाँ पे, उस टाइम हम गाड़ी में आए थे, तो उस टाइम मुझे याद है हम ना आगे गए थे, वहाँ से ट्राउट फिशेज भी होते हैं, वहाँ पे फार्म है फिशेज का, जंगल से पहाड़ों से पानी आता है, ये देखिए, ये देखिए गाइस। ये देखिए गाइस हर्ड शेपर्ड यहाँ पे शाखे है पेड़ की, वही सब पहले मैं कोई सांप लगा था, अब जब मैंने ध्यान से देखा ना तो ये हर्ड शेपर्ड है, ये देखिए, ये देखिए गाइस इस ब्रिज को क्या हो रहा है, पूरा हिल रहा है पूरा, ये देखिए इसको नीचे से ब्रिक्स विक्स नहीं है ना, ये देखिए क्या हो रहा है। कोई अगर साथ में होता ना तो मुझे यहाँ पे फोटोज ये सब उठाता अच्छे से, लेकिन अकेले हूँ ना उस वजह से नहीं उठा पा रहा मैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से जानवर होते हैं, डियर होते हैं यहाँ पे, और पता नहीं लंगूर के क्या बोलते इसको, ये पहले होते थे यहाँ पे और वो भी ओपन बंद नहीं होते थे, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ से है फिश फार्म, ठीक है, लेकिन यहाँ से ना वो 2 किलोमीटर दूर है फिश फार्म, ठीक है, ये देखिए यहाँ से जाना है उसको, लेकिन अभी ना पार्क बंद हो रही है इसलिए वहाँ से जाने नहीं दे रहे अभी। ये देखिए गाइस यहाँ पे ना ये गाड़ियाँ भी है जो आपको फिश फार्म तक लेके जाएगी, यहाँ से 2 किलोमीटर, और गाइस जो गाड़ी है ना ये 1200 रुपये लेती है, 4.5 किलोमीटर लेती है, यहाँ से जंगल दिखाती है, वहाँ से फिश फार्म दिखाती है, और डियर भी है वहाँ से कभी कभार नज़र आता है, ठीक है, मतलब जंगल सफारी करवाते हैं इसमें। गाइस ये था दाची गांव, ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ से वापस, जो लगता है बारिश का भी खतरा है इसलिए जाते हैं वापस से घर, आप मिलते हैं आपसे घर में। ये देखिए गाइस ये रहा बकर वालों का कुत्ता जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। हवा कितनी तेज चल रही है, जैसे समुद्र में लहरें होती है ना उसी टाइप की लहरें उठ रही है अभी, ये देखिए, और एक भी शिकारा अभी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि परसों जो तूफान आया था ना हवा तेज चली थी उस टाइम बहुत लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा ना, इस वजह से अभी नाव ये सब नहीं चल रही है, ये देखिए। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर, रास्ते में ना बहुत ही तेज बारिश हुई उस वजह से मेरे को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। मैं करता हूँ फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।